नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एच नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 10 मार्च 2021 की हिमाचल प्रदेश की शाम पाँच बजे तक की सभी ताज़ा ख़बरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं तो वीडियो पर एंड तक बन रही है अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो साथ में बेलाइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो देख सकते हैं पहली न्यूज़ आपकी कि हिमाचल चंबा में बस खाई में गिरी तीन महिलाओं समेत नौ की मौत तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई मिली जानकारी के मुताबिक जो है चुनाव विधानसभा क्षेत्र के तहत आते बांदेड़ी तीसा मार्ग पर निजी बस कॉलोनी मोड़ के पास के खाई में जा गिरी हादसे में तीन महिलाओं समेत नौ की मौत हुई है छः लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया जबकि दो की अस्पताल में मौत हुई है बस के चालक ने कंदला में पहुँच दम तोड़ दिया बस को खाई में गिरते देख गांव के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और, और बचाव कार्य शुरू किया पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया वीडियो तीसरा महेंद्र सिंह ने बताया कि नौ की मौत हुई है तेरह घायलों को तीसरा अस्पताल जो है पहुंचाया गया है हा। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई हादसे के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है बी एम डॉक्टर ऋषि पुरी ने बताया कि चार घायलों को सिविल अस्पताल तीसरा से मेडिकल कॉलेज चंबा शिफ्ट किया गया है प्रशासन की ओर से घायलों को पाँच हज़ार जबकि मृतकों के परिजनों को बीस हजार बीस बीस हज़ार की जो है फौरी राहत प्रदान की गई है अग्रणीज आपकी कि टुट्टू चौपाल धर्मपुर में एक सौ पंचायत प्रधान पदों के लिए मतदान सताईस सात अप्रैल को तो हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने जिला शिमला के टुट्टू चौपाल और मंडी जिला के धर्मपुर ब्लॉक में प्रधान पद के चुनाव के लिए जो है बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है मतदान जो है सात अप्रैल को सुबह आठ बजे से दोपहर तो बाद शाह चार बजे तक जो है करवाया जाएगा इसके साथ ही तीनों ब्लॉकों में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है इन पंचायतों में बाईस तेईस और चौबीस मार्च को नामांकन दाखिल किए जाएंगे तीनों ब्लॉकों में कुल एक सौ प्रधान पदों के लिए चुनाव होगा चुनाव जीतने के बाद दो प्रधानों की मौत हो गई थी राज्य चुनाव आयोग इन रिक्त पदों को भी साथ ही भरेगा उल्लेखनीय है कि इन ब्लॉकों के प्रधान पदों के चुनाव का जो है मामला आरक्षण रोस्टर के चलते प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन था हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य चुनाव आयोग ने यह अधिसूचना जारी की है अगर न्यूज आपकी कि बजट सत्र प्रश्नकाल जल्द भरे जाएंगे कॉलेज कैडर लाइब्रेरियन के हजार पद तो शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि कॉलेज कैडर लाइब्रेरियन के सौ पद रिक्त हैं जिन्हें सौ पद रिक्त हैं जिन्हें जो है राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से जल्द भरा जाएगा उन्होंने यह जानकारी डलहौजी से कांग्रेस विधायक आशा कुमारी के सवाल पर दी मंत्री ने कहा कि वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन और सहायक लाइब्रेरियन के की जो है दो श्रेणियां हैं लाइब्रेरियन की कुल कैडर संख्या 126 है इनमें 26 पद भरे गए हैं सहायक लाइब्रेरियन की कैडर संख्या एक थी सरकार ने सहायक लाइब्रेरियन की जो है सात खाली पद कनिष्ठ कार्यालय सहायक लाइब्रेरी में बदलने का निर्णय लिया है बाकी भरे गए दो पदों का को जो है ड्राइंग कैडर घोषित किया गया है वर्तमान में इन दो पदों में से दो पद भर गए दिए गए हैं इनमें से 19 पदों को जो है सेवानिवृत्त के बाद ख़त्म कर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग ने चार जिलों की आंगनबाड़ी कार कार्यकर्ताओं को ही दिया मानदेय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य महकमे और उपायुक्तों ने मंग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कोविड ड्यूटी पर लगाया गया था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इन्हें कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया है अधिकारिता विभाग की ओर से इन्हें अतिरिक्त मानदेय देने का प्रश्न नहीं उठता बुधवार को सदन में प्रश्नकाल में यह मामला ज्वालामुखी के विधायक भाजपा विधायक राकेश तावला ने उठाया अगली कि पहले मनाली ले मार्ग फिर पर्यटकों के लिए खुलेगा रोहतांग तो पर्यटकों की पहली पसंद रहा तेरह हजार पचास ऊंच ऊंचे रोहतांग दर्रे के समय से पहले खुलने की उम्मीद को झटका लगा है सीमा सड़क संगठन पहले सामरिक महत्व के चार किलोमीटर लंबे मनाली ले मार्ग को बहाल करना चाहता है और बी ने पूरी ताकत लगा दी है इसके बाद ही अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह से रोहतांग दर्रे को जो है खोलने के लिए अभियान शुरू होगा हालांकि बी आर अमूमन फरवरी के अंत या फर मार्च के पहले सप्ताह से मनाली के गुलाब गुलाबा से बाढ़ फटाने का काम शुरू करता आया है अगड़ी उजाफगी के निजी कॉलेजों के आयोग प्रिंसिपल 19 और 20 मार्च को तलब तो राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनायाम विनियामक आयोग की प्रारंभिक जांच में आयोग्य पाए गए पैंतालीस निजी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को 19 और 20 मार्च को तलब किया गया है इन प्रिंसिपलों से इनकी योग्यता पर उठे सवालों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा आयोग ने नोटिस जारी कर इन कॉलेजों के प्रिंसिपलों को अपना पक्ष जो है रखने का मौका दिया है सभी कॉलेजों की बातें सुनने के बाद आयोग की ओर से अंतिम निर्णय जो है लिया जाएगा अग्निवज आपकी कि कोरोना की मार चार गुना तक महंगा हुआ एडवांस्ड स्टडी घूमना तो राजधानी शिमला की ऐतिहासिक दरबार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी में घूमना चार गुना महंगा हो गया है संस्थान को करीब एक साल बाद बीते माह से आम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भवन में किए गए इंतजामों को देखते हुए टिकट महंगा किया गया है भारतीय आगंतुकों के लिए यह टिकट जो है पचास से बढ़ाकर दो सौ रुपये का कर दिया है बारह साल से कम आयु के बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट सौ रुपये में मिलेगा अगली न्यूज आपकी कि डमटाल रांची मोड़ पर बेकाबू टाला ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर अंदर सोए ड्राइवर की दर्दनाक मौत तो ठाकुर द्वारा से न्यूज है कि मंगलवार देर रात डमटाल रांची मोड़ पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है थाना डमटाल के प्रभारी हरीश गुलेरिया ने बताया कि पठानकोट की ओर से एक ट्राला बजरी भरकर मुकेरिया की ओर जा रहा था तो रांची मोड़ की डलान पर उसकी ब्रेक फेल हो गई हो जाने से जो है ट्राला ड्राइवर गाड़ी से अनियंत्रित खो बैठा और ट्राला अनियंत्रित होकर ड्राइवर को पार करता हुआ दूसरी तरफ पठानकोट की तरफ जा रहे ट्रक से टकराकर सड़क पर खड़े अन्य ट्रक को बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया ट्राले ने सड़क किनारे खड़े जिस ट्रक को अपनी चपेट में लिया उस ट्रक में एक व्यक्ति सोया हुआ था जिसकी इस ट्राला की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई हादसे में मारे गए व्यक्ति की पहचान संजीव कुमार तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा के रूप में हुई है अग्णि आपकी फायर सेशन निजी घासनी में आग लगाई तो खैर नहीं महकमे को एक दिन पहले करना होगा सूचित तो इस बार जंगलों से सटीन निजी घासनियों में आग लगाने से ठीक एक दिन पहले वन विभाग को सूचना देना अनिवार्य किया गया है सूचित किए बगैर निजी घासनियों में आग लगाने वालों के खिलाफ जो है नियमितता अनुसार कार्रवाई होगी अग्नि आपकी की अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि का आगाज कल से तैयारियों तैयारियाँ जो है पूरी कोरोना नियमों का होगा पालन तो मंडी से न्यूज़ है कि कल से छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज हो जाएगा कोरोना महामारी के बीच आयोजित होने वाला यह समारोह प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा सामाजिक दूरी व करोना नियमों का पालन सही तरीके से करवाने के लिए जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन के साथ पचास रेड क्रॉस के वॉल्टियर तैनीत तैनात जो है कर दिए हैं ऊना के टहलीवाल में एक के बाद एक बजरी से भरे दो टिप्पर पलटे तीखे मोड़ पर बिगड़ा संतुलन तो टहलीवाल से न्यूज है कि जिला उन्ना के टहलीवाल में मंगलवार रात दो टिप्पर अचानक तीखे मोड़ पर संतुलन खोल देने से जो है पलट गए इन टिप्परों में बजरी भरी हुई थी ये हादसे रात में हुए अंधेरे में हुआ शायद ड्राइवर को तीखे मोड़ का अंदाजा ना हुआ और पहले वाले ने संतुलन खो दिया तो दूसरा भी उसके पीछे ही संतुलन खोकर पलट गया गनीमत यह रही कि रात का समय होने के कारण यातायात नहीं था जिस वजह से कोई वाहन इनकी चपेट में नहीं आया इस दुर्घटना में दोनों टिप्पर चालकों चालक भी सुरक्षित हैं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है अगली आपकी कि हिमाचल में लाखों का नशा जो है पकड़ा मंडी एनसीबी ने पौने दस किलो चर्स के साथ दबोचे पाँच तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सब जॉन मंडी की टीम ने कुल्लू से उत्तर प्रदेश ले जाई जा रही चर्स की बड़ी खेप पकड़ी है एन की टीम ने डोहलू नाला टोल प्लाजा में एक कार की तलाशी से नौ किलो सात सौ अस्सी ग्राम चरस जब्त की है साथ ही मथुरा के दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है अग्निजापकी की शिमला में महंगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर गर्जी कांग्रेस पीरभद्र सिंह के सारे दो हजार बाईस में सत्ता वापसी का दावा तो शिमला से न्यूज की बुधवार को शिमला में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया रैली में जहां कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर महंगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर खूब हमला बोला वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बीभद्र सिंह के सारे प्रदेश में दो में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा किया अगले न्यूज आपकी कि भेड़ पालकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भेड़ पालकों को दी उनके अधिकारों की जानकारी तो सरकार भेड़ पालकों के द्वारा कार्यक्रम के तहत सिरमौर जिला के नान में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें काफ़ी संख्या में भेड़ पालकों ने हिस्सा लिया नाहन में यह प्रशिक्षण शिविर हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के चेयरमैन त्रिलोक कपूर की अध्यक्षता में हुआ न्यूज़ आपकी कि लाहौल घाटी में मौसम ने फिर बदली करवट रोहतांग सिु सहित ऊँची चोटियों में बर्फबारी तो बुधवार सुबह पूरी लाहौल घाटी में अच्छी बर्फबारी हुई रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों में भी सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया था लाहौल के सिसू में सबसे पहले बर्फ़बारी शुरू हुई मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने अटल टनल सैलानियों सैलानियों के लिए जो है बंद कर दी तो दोस्तों ये थी आज शाम पाँच बजे तक की जो है सभी ताज़ा खबरें अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके धन्यवाद जय हिंद जय भारत